हेलो बच्चों, मेरा नाम है विजय प्रजापति। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यह क्लास टेंथ साइंस के फिजिक्स पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का यह भाग है। इससे पहले इसी लेसन के मैंने 4-5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको अगर आप लोग अभी नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। वहां से आप लोग पहले उसे जाकर देख लीजिए, उस वीडियो को समझ लीजिए, तब आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसका नाम क्या है, अपवर्तनांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा कि अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कहीं खुले मैदान में हैं, ठीक है। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में जो प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मैंने वो चीज़ बता रखी है, फिर भी आज का ये टॉपिक है तो इसको बताना ज़रूरी है। तो जैसे मान लीजिए आप लोग, एक उदाहरण के तौर पे आप लोग एक खुले मैदान में हैं, ठीक। वहाँ से सपोज़ कीजिए आप लोग दौड़ते हुए सीधे आ गए, कोई रूम है एक आपका, ठीक है, उसमें दौड़ते आए, फिर आपको रूम से निकल कर बाहर की ओर जाना है, फिर मैदान में जाना है, ठीक है। तो मतलब कि मैदान से दौड़ते हुए आए रूम में भी दौड़ते हुए फिर आपको रूम के दूसरे साइड दौड़ते हुए मैदान में निकल जाना है। तो आप लोग क्या देखेंगे वहाँ पर, गौर करने वाली बात यह है कि आप जब मैदान में दौड़ रहे थे तो एक स्पीड से लगातार दौड़ रहे थे। जैसे ही आपने रूम में एंट्री की तो रूम में क्या होगा, फर्नीचर्स होंगे, कुछ सामान रखी होगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उनको बचाते हुए मतलब उनसे दूर होते हुए चले जाएंगे। तो जो स्पीड आपकी मैदान में थी वो उस रूम में नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें इस रूम में क्या है, फर्नीचर से। तो उनको आप लोग बचाते हुए दूसरे रास्ते से शॉर्टकट होकर फिर इसके बाद निकलकर सीधे मैदान की ओर भागेंगे। तो यानी कि आपका जो मैदान में चाल थी वह रूम में चाल आकर कम हो जाएगी, ठीक है। और जिस दिशा में आ रहे थे उस दिशा में सामने आपको क्या मिल सकता है, रूम में आने के बाद फर्नीचर मिल सकता है और भी कोई वस्तु रखी है वो भी मिल सकता है। तो आप लोग उससे दूर हटकर रूम में और फिर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि रूम में आने के बाद आपकी जो चाल थी वह क्या हो गई, कम हो गई, ठीक। और दूसरा चीज़ क्या है कि जिस रास्ते से आ रहे थे वो रास्ता परिवर्तित हो गया, ठीक है, अपवर्तित हो गया। तो यही कंडीशन होती है प्रकाश की भी। जब प्रकाश किसी एक मीडियम में चलता है तो वह स्ट्रेट चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसकी स्पीड बदल जाती है, ठीक है, उसकी स्पीड बदल जाएगी, उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। तो उसी को कहते हैं अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये अपवर्तनांक समझ में आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक को लिखने का तरीका, ठीक है। जैसा कि आप लोग बुक में देख भी रहे होंगे, अगर नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पर आप उसको समझिए आसानी से कैसे लिखा जा सकता है इस अपवर्तनांक, ठीक है। तो इससे पहले इसका हम कोई माध्यम बना दें, जैसे मान लीजिए कि ये माध्यम मीडियम को डिवाइड करने वाला है, जो लाइट है वो सीधे आ रही है, ठीक, यहाँ से लाइट आ रही है। तो ये दूसरे, ये मान लीजिए कोई मीडियम वन है, ठीक है, ये मीडियम, इसको हम क्या लिख दे रहे हैं, V1 लिख दे रहे हैं, और इसको क्या लिखेंगे, V2, ठीक। ये दूसरा मीडियम है और ये कोई दूसरा मीडियम। तो यहाँ पर आने के बाद लाइट एक मीडियम में तो सीधे चली, फिर इसके बाद इसके अगर हम लोग इस लाइन के परपेंडिकुलर खींचे तो ये एक लाइन आएगी ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर आने के बाद, दूसरे मीडियम में आने के बाद ये लाइट क्या होगी, या तो इस परपेंडिकुलर से दूर चली जाएगी या तो इसके पास आ जाएगी। ये किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। इसका लेक्चर मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, वहाँ से देख लीजिए आप कि कब दूर होगी कब इसके पास आएगी। तो यहाँ से ये निकल गई, तो यानी कि ये अपने जो रास्ता था उससे क्या हो गई, अपवर्तित हो गई, मतलब रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। तो ये मान लीजिए क्या है, यही लाइट की रेस है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए अपवर्तनांक यानी कि जो ये अपवर्तनांक है इसको हम लोग स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। किससे इंडिकेट करेंगे, स्मॉल n से। तो अब इसे लिखेंगे कैसे, तो जब भी अपवर्तनांक हमें निकालना होगा यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तो दो मीडियम का हम लोग निकालेंगे, किसी भी दो मीडियम का। तो मान लीजिए हमारे सामने क्या है कि लिखा हुआ है
N12। ठीक, तो इस N12 का क्या मतलब हुआ कि माध्यम एक, ठीक है, माध्यम एक का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष, माध्यम दो के सापेक्ष। ठीक, तो ये बात है कि अगर मान लीजिए कोई दो माध्यम जब भी हमें लेना है कितना, दो माध्यम ही रहेगा। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखा कैसे जाता है, माध्यम एक का अपवर्तनांक जो पहले है, इस एन के बाद जो पहले है उसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, जो बाद में है दो के सापेक्ष। ठीक, अगर इसको हम लोग प्रकाश की चाल के रूप में लिखेंगे तब वहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है उसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा N12, ठीक, इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग जब इसको प्रकाश की चाल के रूप में लिखेंगे तो जो पहले लिखा हुआ है यानी कि इन दोनों वन और टू में कौन फर्स्ट है, वन है, तो इसको हम लोग इस अपॉन के नीचे लिखेंगे। ठीक है, कि माध्यम वन में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। अब जो दूसरे, जो दूसरा वाला है, सेकेंड वाला जिसको हम लोग लास्ट में लिखे हैं, वो कहाँ चलाएगा, इस अपॉन के ऊपर। ये रूल होता है, ठीक है, इस अपवर्तनांक को लिखने का रूल। एक रूल क्या हुआ कि जब अपवर्तनांक के रूप में लिखेंगे हम लोग तो माध्यम जो पहले था उसको पहले लिखेंगे, माध्यम एक का अपवर्तनांक दो के सापेक्ष, लेकिन जब इसको हम लोग प्रकाश की चाल के रूप में लिखेंगे तो जो पहले होगा उसको नीचे लिखेंगे, जो दूसरे मतलब बाद में होगा उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माध्यम दो में प्रकाश की चाल। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि n, जैसे मान लीजिए कोई 5, 6 ऐसे ले लेते हैं, तो इसका अगर हमें अपवर्तनांक लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, माध्यम पहले इस तरीके से लिखेंगे, माध्यम। ठीक, तो इसका जो पहले लिखा हुआ है उसी को हम लोग लिखेंगे, 5 का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक, माध्यम 6 के सापेक्ष। ठीक है, ये तो हमारा ये तरीका हो गया, लेकिन अगर हम इसे प्रकाश की चाल के रूप में लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, n 5, 6 है तो बराबर लगाएंगे, तो यहाँ पर अपॉन लगा देंगे, तो बताइए अपॉन के नीचे कौन आएगा, जो पहले होगा, तो यानी कि माध्यम 5 में प्रकाश की चाल। ठीक, और यहाँ पे दूसरा वाला मतलब लास्ट वाला कौन है, 6 है, तो उसको जो लास्ट वाला होगा इसको ऊपर लिखेंगे, जो फर्स्ट वाला है उसको नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे माध्यम 6 में प्रकाश की चाल। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको अगर कोई भी दो माध्यम मिलेगा तो उसका आप लोग अपवर्तनांक भी लिख लेंगे और प्रकाश के सापेक्ष भी लिख लेंगे, प्रकाश की चाल के रूप में भी इसको लिख लेंगे। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो एक आप लोगों के बुक में देखेंगे लिखा हुआ है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, वो क्या होता है वो भी हम बता रहे हैं। इसका आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए, ले चुके हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है सिर्फ N1 का अपवर्तनांक, ठीक है, किसका हमें लिखना है, सिर्फ N1 का। अब तो मैंने बताया था कि यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, हमेशा माध्यम कितना होता है, दो होता है, लेकिन यहाँ पर मैं लिखा कितना हूँ, सिर्फ एक ही माध्यम, इसको मान लीजिए कुछ भी। ठीक, तो एक जो नहीं लिखा हुआ है दूसरा वाला उसको हम लोग बोलेंगे निर्वात में, मतलब निर्वात का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, किसी में भी नहीं। ठीक, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कैसे, अपवर्तनांक के रूप में, तो ये यानी कि फर्स्ट लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे
माध्यम एक का अपवर्तनांक अब किसके सापेक्ष है? यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो जब नहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या है? निर्वात है। तो निर्वात के सापेक्ष, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसको, अगर हम लोग प्रकाश की चाल के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? N1 इक्वल टू, अब तो मैंने बताया था कि जो बाद में रहेगा उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर, और जो पहले रहेगा उसको नीचे। तो ये पहले दिया हुआ है तो इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं कि माध्यम वन में इसको पूरा लिख देते हैं, माध्यम वन में प्रकाश की चाल, ठीक। अब इधर हमें ऊपर क्या लिखना है? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो जब कुछ नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे बताइए? निर्वात, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसको हम लिखते हैं C, ठीक है। और ये क्या है? माध्यम वन में, तो वन को क्या लिख सकते हैं? V1, ठीक। और ये क्या है? N1, ठीक है। तो यानी कि N1 इक्वल टू C/V1, ये यहाँ पर फार्मूला। C कहाँ से आया? जब निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग किससे लिखते हैं? C से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब कोई भी अपवर्तनांक हम लोग सिर्फ एक ही माध्यम दिया गया हो और दूसरा माध्यम किस में हो? निर्वात में हो, तो उसे क्या बोलेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी कि यह भी आप लोग कह सकते हैं कि यह क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो खूब अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लेंस के बारे में, उसमें उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे सभी लोग इसे आसानी से पढ़कर समझ सकें। धन्यवाद बच्चों।